मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वेलकम टू द नूरीज किचन। आज अपन नूरीज के किचन में क्या बनाएंगे? ईद आ रही है तो अपन ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो ईद के लिए मैं बनाऊंगी सुबह के लिए शीर खुरमा। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है, इसमें बहुत ही अच्छे सूखे मेवे जाते हैं, तो इसके लिए अपन बनाएंगे शीर खुरमा। दोपहर के लिए मैं बनाऊंगी हलीम, मैं बीफ का हलीम बना रही हूँ। उसके साथ मैं फ्राई करूंगी समोसे, उसके साथ मैं बनाऊंगी सेवइयां, साथ में नान रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अपने को क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, चलो शुरू करते हैं। शीर खुरमे के लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? शीर खुरमे को लिए अपने को चाहिए सेवइयां। यहाँ पे ये मैंने एक पैकेट सेवइयां लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके रखा है। तो ये सेवइयां है, ये रोस्टेड सेवइयां है। यहाँ पे ये एक कप भरकर है ना, तो मेरे पास घी है, बटर घी है एक कप। यहाँ पे 8 से 10 है ना, तो कैश्यू नट्स है। यहाँ पे 8 से 10 है ना, तो वॉलनट है। ये एक कप भरकर है ना, तो कार्नेशन मिल्क है। ये 8 से 10 है ना, यहाँ पे पिस्ताशियो स्लाइस करके रखे। यहाँ पे आधी चमची है ना, तो कार्डेमम पाउडर है। पाउच चमची है ना, तो सेफ्रॉन पाउडर है। 1/2 टीस्पून कार्डेमम पाउडर, 1/4 टीस्पून सेफ्रॉन। यहाँ पे ये मैंने डेट्स लिए, डेट्स को मैंने स्लाइस करके रखा है। यहाँ पे ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है, या एक कप से थोड़ा कम कंडेंस मिल्क है। यहाँ पे मेरे पास ये गोल्डन रेजिन्स है। यहाँ पे ये आलमंड है, इसको मैंने बॉइल करके इसको स्लिट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास चारोली है। तो ये सब चीज़ें अपने को है ना, तो शीर खुरमे के लिए चाहिए। यहाँ पे ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने देगची में डाला है, इसको मैंने बॉइल करके रखने का। अब ये दूध अच्छी तरह से बॉइल हो गया है, अच्छा मज़े का कलर भी आ गया है। अभी इसको अपन बॉइल होने रहने देते हैं। अभी अपन दूसरी तरफ आते हैं, अपन क्या करेंगे। ये दूध उबल गया है, अब इसके मैं अंदर ये कार्नेशन मिल्क डाल रही हूँ। कार्नेशन मिल्क डाल दिया, इसको थोड़ा सा स्टर किया। अब इसके अंदर मैं ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क डाल के इसको उबलने देंगे थोड़ा दूर। ये दूध उबल रहा है जब तक अपन सेवइयां की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने देगची रखी है चूल्हे पे, इसको मैं इसके अंदर में ये आधा है ना घी डालूंगी। आधा घी डाल के इसमें ये सेवइयां में इसको फ्राई करूंगी। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, इसमें अभी ये मैं सेवइयां डाल रही हूँ। इसको तो सेवइयां को थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सॉटे करेंगे, काला नहीं करेंगे। ये सेवइयां अपनी सेक रही है, ये रोस्ट हो रही है सेवइयां अपनी। इसको थोड़ी देर रोस्ट होने देंगे, थोड़ा स्लो पे रोस्ट करेंगे तो अच्छी तरह से अंदर सब बिल्कुल बराबर रोस्ट हो जाएंगी। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएगी। देखो कितनी मज़े की हो गई है, अच्छा मीडियम कलर आ गया है ना, देखो बहुत ही अच्छी मज़े की बन गई है, खुशबू अच्छी आ रही है। अब इसको अपन दूध में डाल देंगे। अब ये देखिए मैं अपन ये सब ड्राई नट्स है ना, वो उसको थोड़ा थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे। अब इसमें थोड़ा मैं घी डाल रही हूँ। इसमें मैं ये वॉलनट्स डाल रही हूँ। वॉलनट फ्राई हो गए, इसमें ये चारोली डाल रही हूँ। चारोली फ्राई होएंगी, इसमें ये मैं आलमंड्स डाल रही हूँ। अपन थोड़े से आलमंड्स बचाएंगे ऊपर गार्निश के लिए। ये रेजिन्स डाल देंगे, ये पिस्ताशियो भी थोड़े डालेंगे, थोड़े अपन गार्निश के लिए रखेंगे। और ये कैश्यू भी डालेंगे, थोड़े गार्निश के लिए रखेंगे। ये सब चीज़ों को अपन रोस्ट कर लेंगे, अच्छा रोस्ट हो जाएगा। इसमें अपन ये डेट्स डाल देंगे, डेट्स डाल के अभी इस पर अपन ये कार्डेमम पाउडर और सेफ्रॉन डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। कितना अच्छा मेरे का स्टर फ्राई हो गया है। अब इसको अपन दूध में डाल देंगे। ये मैंने 1/4 स्पून लिया ताकि इसमें घी ना जाए ज़्यादा। ये
देखो ये घी बच गया ना, घी नहीं डालेंगे अपन इसमें। अब इसको घुमाएंगे, कितना मज़े का घुल गया है। सवैया भी अच्छी पक गई है इसमें। शीर खुरमा तैयार हो गया है, मैं देगचा खोल रही हूँ। वाओ क्या मज़ेदार खुशबू है, इलायची की और सैफ्रॉन की खुशबू। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही लजीज है, कितना क्रीमीली है देखो, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। अभी मैं ये इसको पोर कर रही हूँ। बादाम है, पिस्ते है, कैश्यू है, वॉलनट है, डेट्स है, किशमिश है, सब चीज़ें हैं इसमें, सब ड्राई फ्रूट है। देखो कितने मज़े का लगा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिलीशियस है। अब इसको अपन थोड़ा सा गार्निश करेंगे, थोड़े कैश्यू नट डालूँगी, थोड़े आलमंड्स डालूँगी और थोड़े पिस्ताशियो डालेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ईद का ये तोहफा है, बहुत अच्छा है। चलो शुरू करते हैं हलीम बनाने के लिए। हलीम के लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? हलीम के लिए यहाँ पे मैंने ये 2 पाउंड हलीम का बीट लिया है। ये गेहूँ है हलीम के, ये धुले हुए गेहूँ होते हैं, तो ये मैंने 2 पाउंड का पैकेट लिया है। ये 2 पाउंड के पैकेट को मैंने रात को भिगो दिया था। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून है ना, तो बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा डाल के इसको 8-10 घंटे तक भिगोने दिया। फिर ये भीग गया रात को, तो फिर मैंने सुबह को इसको है ना तो चूल्हे पे बॉईल किया। एक उबाल आया तो मैंने लेके ना इसको ओवन में डाल दिया। ओवन में मैंने 400 पे 15-20 मिनट बॉयल किया और फिर इसको मैंने ओवन बंद कर दिया और ऐसे ही ओवन में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो ये अच्छे मज़े के ओवन में हलीम के गेहूँ बन गए। देखा कितने मजे के गेहूँ हैं ये। यहाँ पे ये मैंने सब जात की दाल ली थी। ये 5 किस्म की दाल है इसमें। इसमें चने की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, माश की, मसूर की दाल है और तुअर की दाल है और चावल है। तो ये सब चीजें मैंने, उड़द की दाल मैंने 1/2 कप लिया था 8 आउंस और चने की दाल मैंने ली थी 4 आउंस, मूंग की दाल ली थी मैंने 4 आउंस, मसूर की दाल ली थी मैंने 4 आउंस, चावल लिए थे 4 आउंस। ये सब चीज़ों को मैंने भिगो के रखा है, अभी इसको मैं बॉईल करूँगी। हलीम के लिए सबसे पहले तो मैंने ये गोश्त लिया था, गोश्त को मैंने धोया, बीफ का गोश्त लिया था, गोश्त को धोया, फिर तेल रखा चूल्हे पे, फिर इसमें एक बड़ी प्याज डाली, उसको प्याज को ब्राउन किया, फिर इसमें गोश्त डाला, फिर इसमें हरा मसाला डाला, फिर इसमें धनिया जीरा डाला, हल्दी डाली, लाल मिर्च की बुक्की डाली, गरम मसाला डाला और फिर सब मसाले को भून के और फिर गोश्त में मैंने पानी डाल के और गोश्त को बॉयल करने रखा। गोश्त बॉयल हो गया, अभी इसको मैंने श्रेड करके रखा है। तो ये गोश्त अपने को हलीम के लिए तैयार गोश्त है अपना। यहाँ पे ये हरा मसाला बनाया है। यहाँ पे लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है और धनिया पत्ती है। ये हरा मसाला 4 चम्मच है। आपको कम चाहिए तो कम डालो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालो। यहाँ पे ये 4 चम्मच है। यहाँ पे ये 1 चम्मच भरकर है ना, तो 4 गरम मसाला है। ये 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च की बुकी है, 1 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच है ना तो दाल का मसाला है, ये 2 चम्मच भरकर है ना हलीम का मसाला है, 1 चम्मच भरकर है ना हल्दी है, 1 चम्मच भरकर कुटा हुआ सफ़ेद जीरा है, 1 चम्मच भरकर है ना तो नमक है, ये 2 चम्मच भरकर है ना तो लेमन जूस है, ये घर की प्याज है तली हुई। यहाँ पे ये गार्निश के लिए मैंने अदरक लिया है, हरी मिर्च है, मिंट है, लेमन जो है, धनिया पत्ती है और हर घर की प्याज है तली हुई। तो ये सब चीज़ें अपने को है ना तो हलीम के लिए चाहिए। और थोड़ा तेल चाहिए अपने को 1 कप भर कर, तो मैंने चूल्हे पर रखा है। अभी मैं बताऊँगी आपको कि मैं किस तरह से ये मसाला सब डाल के इन्हें बना रही हूँ। अभी शुरू करते हैं अपन हलीम का मसाला, किस तरह से अपन हलीम बनाएंगे। यहाँ पे ये मैंने 1/2 कप तेल रखा है, 1/2 कप तेल है, ये तेल गर्म हो गया है। इसमें मैंने ये 4 चम्मच भर कर मैं हरा मसाला वो डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च की बुक्की डालेंगे, ये कूटा हुआ जीरा डालेंगे, ये चाट मसाला डालेंगे और नमक डालेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून गया है अपना,
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा मसाला बना है, तेल ऊपर आ रहा है, मसाले का कच्चापन सब दूर हो गया है, अच्छा तरह से मसाला पक गया है। इसको ज़्यादा काला नहीं करना, देखो ज़रा भी काला नहीं हुआ है, तेल ऊपर आ गया है। अब ये मसाले को अपन हलीम में डाल देंगे। अभी दूसरी तरफ अपन आ रहे, देखो ये गरम, इसमें मसाला भून के मैंने डाल दिया है सब। अभी इसमें ये मैं गोश्त डाल रही हूँ, गोश्त थोड़ा मैं बचाऊंगी, थोड़ा डालूंगी, तो ऊपर जिसको चाहिए ज़्यादा गोश्त तो वो लोग ऊपर से ले सकते हैं। और ये जो गेहूँ को हमने सबको बॉईल किया था ना, देखो इसका कितना अच्छा मज़े का ये बन गया है, बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर बन गया, ये बहुत ही अच्छा क्रीमी बना है, देखो कोई लम्स वगैरह कुछ नज़र नहीं आते। अभी इसके अंदर अपन है ना, तो ये सब मसाले डालेंगे जो बचा के रखे ना थोड़े थोड़े, वो सब डालेंगे इसमें। ये गरम मसाला डाल रही हूँ, आपका अपने हिसाब से डालना, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालो, कम चाहिए तो कम डालो। ये दाल का ये हलीम का मसाला डाल रही हूँ, ये फिलहाल मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, फिर टेस्ट करके डालूंगी। ये लाल मिर्च की बुकी है, ये चाट मसाला है, ये हल्दी है, ये सफेद जीरा है कुटा हुआ, ये दाल का मसाला है, ये नमक है, और ये लेमन जूस है, और ये तली हुई प्याज है। कितना अच्छा मज़े का गार्निश हुआ है ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं इसको आगे बताती हूँ, अभी इसको आगे क्या करने का है अपने को। अभी इसमें देखो थोड़ा ये पुदीना डाल रही हूँ, थोड़ी धनिया पत्ती डाल रही हूँ, थोड़ी हरी मिर्च है, और ये थोड़ा अदरक है। ये डाल के अभी मैंने यहाँ पे तेल रखा है ना, एक कप तेल लिया था, आधा कप मैंने हरे मसाले में डाला था भूनने में, और आधा कप ये मैं इसमें डाल रही हूँ। कितना मज़े का क्लासी बन गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ही टेस्टी है, जबरदस्त। हलीम तैयार हो गया है, अभी मैं देगचा खोल रही हूँ। वाह, क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, लजीज। अभी देखो मैं चम्मच हिला रही हूँ, इतना अच्छा मज़े का क्रीमी फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा बना है। गोश्त में इतने कितने मज़े का अच्छा लज़ेदार गोश्त नज़र आता है। अभी इसको अपन डिश आउट करेंगे, अभी मैं हलीम को डिश आउट कर रही हूँ। अभी इसको अपन गार्निश करेंगे, पहले मैं धनिया पत्ती डालूंगी थोड़ी, ये सिलांट्रो है, ये थोड़ा पुदीना डालूंगी, ये थोड़ी हरी मिर्च डालूंगी, फिर ये थोड़ा सा श्रेडेड जिंजर डालूंगी, फिर हरी प्याज डालेंगे, ओ सॉरी तली हुई प्याज डालेंगे, ये हलीम अपना तैयार हो गया। लेमन स्लाइसेस डाल देंगे बीच में, अच्छा मज़े का हलीम बन गए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। चलो शुरू करते हैं, सवैया के लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सवैया के लिए यहाँ पे मैंने रोस्टेड
सवैया का पैकेट लिया है, ये रोस्टेड सवैया है। मैंने 3 पैकेट लिया है क्योंकि ईद के दिन मेहमान ज्यादा आएंगे, मुझे ज्यादा सवैया चाहिए। आपको चाहिए तो 1 पैकेट का भी आप बना सकते हो, तो इसके इंग्रेडिएंट्स सब कम कर देना। तो ये 3 पैकेट सवैया है, इसके साथ मैंने ये 1.5 कप शुगर ली है। ये 3 पैकेट सवैया है तो 1.5 कप शुगर है। आप 1 पैकेट का बनाएंगे तो 1/2 कप शुगर डालना। यहाँ पे 1 कप भर कर मैंने बटर घी ले लिया। यहाँ पे ये है रोज वाटर है, ये 2 चम्मच भरकर मैं रोज वाटर डालूंगी। यहाँ पे 1 चम्मच भरकर ये कार्डेमम पाउडर है, 1 टीस्पून कार्डेमम पाउडर, 1/4 टीस्पून सेफ्रॉन है यहाँ पे, 1/4 टीस्पून सेफ्रॉन। यहाँ पे थोड़ा पिस्ताशियो मैंने स्लाइस करके रखा है। यहाँ पे गोल्डन रेजिंस है 2 चम्मच भरकर, यहाँ पे ये आलमंड है स्लाइस की हुई। तो ये सब चीजें अपने को है ना तो सवैया के लिए चाहिए। इसके मैं इसमें मैंने है ना 1 कप भरकर है ना पानी एड करूंगी। अभी मैंने देखी रखी है चूल्हे पे, इसमें मैं ये 1 कप घी डाल रही हूँ। ये घी थोड़ा गर्म होएगा, इसमें अपन ये सवैया डालेंगे। सवैया डाल के इसको अपन फ्राई करेंगे। देखो ये सवैया कितनी अच्छी मजे की ब्राउन फ्राई हो गई है, बहुत ही अच्छी रोस्टेड हो गई है। ये कितना अच्छा कलर आ गया मजे का। ये फ्राई हो गई है सवैया अपनी। इसमें अपन अभी ये इलायची का पाउडर और ये सेफ्रॉन डाल देंगे। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके अंदर अपन ये रेजिंस डाल देंगे। हिलाते रहना बराबर, वरना अंदर नीचे सब काला हो जाएगा। अब ये 1 कप पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाला है, तो ये इसको अपन इसमें डाल देंगे। कलर ऑप्शनल है, डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो नहीं डालो। कलर से थोड़ी सवैया का रंग अच्छा आता है। दुल्हन को थोड़ा कलर देना चाहिए ना, मेकअप करना चाहिए। ये फाउंडेशन अपने डाल दिया दुल्हन को। ये 3 पैकेट सवैया थी ना, तो 1.5 कप पानी जाएगा इसमें। 1 कप डाला आपने, अभी 1/2 कप और डाल रही हूँ मैं। अब इसके अंदर अपन ये 1.5 कप शुगर डाल देंगे। इसको अपन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, दम पे छोड़ देंगे। अच्छी मजे की दम पे हो जाएगी सवैया। इसके अंदर अपन ये 2 टेबलस्पून के जितना रोज एसेंस डाल देंगे। 2 रोज वाटर है। इसको मैं 350 पे ओवन पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए। अब ये देख चुके मैं ओवन में डाल रही हूँ, ये ओवन में डाल दिया, ये मैंने बंद कर दिया, ये मैंने 350 पे रखा है। अभी इसको 10 मिनट तक इसको टाइमर पे रख दिया। 10 मिनट हो गई है, ओवन बीप कर रहा है, मैं देख चुका खोल रही हूँ। वाओ कितनी अच्छी मैदे की खुशबू आ रही है, वाओ जबरदस्त, बहुत ही अच्छी सवैया बनी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज है, टेस्टी है, यमी यमी डिलीशियस। देखो कितनी मज़े की बनी है, बहुत ही अच्छी है, देखा बिल्कुल चिपकी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। अभी इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। कितनी मज़े की बनी है। अभी इसको अपन गार्निश करेंगे। ये आलमंड डाल रही हूँ मैं, थोड़े पिस्ताशियो से गार्निश करेंगे। कैसी मजे की सवैया बनी है,
देखो ये ईद का खाना सब तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज है। यहाँ पे ये मैंने हलीम बनाया है, ये हलीम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है, इतनी अच्छी खुशबू आ रहा है, इतना टेस्टी है, यमी यमी है, डिलीशियस है, तो ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने सवैयाँ बनाई है, सवैयाँ भी बहुत अच्छी बनी है, देखो कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही प्यारी मज़े की सवैयाँ बनी है। यहाँ पे मैंने शीर खुरमा बनाया है, ये शीर खुरमा भी बहुत ही अच्छा है, इसमें अच्छे मज़े के नट्स डाले हैं, सब ड्राई फ्रूट बहुत सारा डाला हुआ है, तो ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही लजीज है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने नान रखे हैं, यहाँ पे ये मैंने समोसे बना के रखे, ये चिकन के समोसे, जब खाने बैठेंगे तो फ्राई करेंगे तो अच्छे मजे के क्रिस्पी रहेंगे, तो ये कॉम्बो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही लजीज है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, फैमिली के साथ खाइएगा, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर नहीं किया है तो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंजॉय करो। और अगली रेसिपी का अपन ज़रूर इंशाल्लाह मिलेंगे, चलो अगली रेसिपी तक खुदा हाफिज़, बाय, आली मदद, ईद मुबारक।